कहा कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तक करना ही होगा, 3 सेट तक रहेगा। तो हमने विरोध किया कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पेपर लड़के हम क्या कहेंगे स्टूडेंट को जा करके, तो कोई कैसे विरोध करेगा, हो सकता है कोर्ट भी जाएगा। दूसरी मीटिंग ये लोग 15 नवंबर को रखे हैं, जो हो सकता है कि बापू सभागार में हो या ज्ञान भवन में हो, तो वहाँ जो है आपको 15 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी, स्टूडेंट भी रहेंगे। अभी जो है नॉर्मलाइजेशन होगी इस बार एग्जाम में, 3 सेट रहेंगे। आंसर भी बोलेंगे ना ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कों के बीच में विश्वास जाना चाहिए। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया एकदम कि नहीं ऐसा, हाँ सपोर्ट किए, वो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किए हैं, वो भी रामान सर भी ये लोग सपोर्ट किया है कि नहीं ठीक है चलिए। आपकी पति का ज्यादा गुणगान भी लोग करने लगा चेयरमैन का, हमको अच्छी बात नहीं लगी है गुणगान। हम गए हैं वहाँ बात, हम टीचर की गरिमा को लोग गिरा देते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए, अगर सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर्स नहीं होने चाहिए। और सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सिंगल सिंगल पेपर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 बातें और निकल कर आई कि जैसा कि आयोग का कहना था कि कम से कम हम लोग 3 पेपर रखेंगे, उस पर भी हम लोगों ने बात रखी है कि नहीं हम लोग सिंगल पेपर ही रखें, और फिर बिहार स्पेशल का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, इस पर भी हमने काफ़ी सारा बात किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया है, और सर अब मैं आप क्या ही बताऊं आपको, लेकिन जो लोग दिखा रहे सर और रहमान सर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सपोर्ट किया है सर। हाँ शुरुआत में तो उन्होंने सपोर्ट किया कि इन शिक्षकों ने सपोर्ट किया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, लेकिन फिर बाद में जब देखे कि सभी शिक्षक किसका अपोज कर रहे हैं, तो बाद में उन्होंने बताया भी कि नहीं 3 पेपर में अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो ठीक है, काम किया जा रहा है। मतलब ये संवाद शुरुआत में तो ये संवाद, हाँ संवाद को पूरे तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को हितैषी दिखाते हैं, ये मुझे यहाँ पर लगा कि वो बहुत ज़्यादा हितैषी है नहीं, ठीक है वो हितैषी है नहीं, बस दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हितैषी हैं। सर्विसेज में कभी भी कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जब नहीं हुआ है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन को करना ये उचित नहीं है, यह मेरा मानना, और बहुत सारे शिक्षकों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ जो का छात्रों को बहुत बड़े हितैषी बनते उन्होंने बोला कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हम बात छात्रों को कैसे समझाएंगे। मुझे मैं भी दंग रह गया था कि बाहर में इतनी बड़ी बड़ी बातें और अंदर में जाकर ये दोहरा चरित्र दिखाना, हाँ दोहरा चरित्र दिखाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये किसी भी छात्र के किसी भी शिक्षक को शोभा नहीं देता। ये तो मैं सभी शिक्षक एकजुट रहते तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन वाली बात नहीं होती, सिंगल शिफ्ट सिंगल पेपर ही होना चाहिए था, और वही होता। लास्ट में हम लोगों ने बोला भी है कि सिंगल शिफ्ट सिंगल पेपर होना चाहिए, तो आयोग ने ये बोला है कि मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिखा रहे, जब वो लोग कुछ लोग चले गए थे तथाकथित बड़े लोग जब चले गए थे तब उन्होंने बोला कि हम लोग इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगे छात्रों, बात हुई वो कि नॉर्मलाइजेशन का, तो हमने कहा कि सर एक ही पेपर को अगर 3 पेपर आप ही बनाएंगे सेट, तो जाहिर सी बात है अलग अलग है आपका नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तक करना ही होगा, 3 सेट तक रहेगा। तो हमने विरोध किया कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पेपर लड़के हम क्या कहेंगे स्टूडेंट को जा करके, तो कोई कैसे विरोध करेगा, हो सकता है कोर्ट भी जाएगा बाद में, तो बोले कोर्ट जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे हमारा वही करना पड़ेगा, लड़के ज्यादा है पेपर आउट हो रहा है, इसके चलते हमको ये अलग अलग सेट बनाना पड़ेगा। ऑप्शनल के लेकर के हमने कहा कि सर ऑप्शनल पेपर के लिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है विचार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शनल के लिए उसमें जो है गुरु रामान सर भी जो है ऑप्शनल के लिए विरोध कर दिए, ये हाँ कि नहीं ठीक है सर यही सिलेबस ठीक है, तो हमने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो है ऐसा कहा गया। कुल मिलाकर बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का उद्देश्य ही था कि स्टूडेंट के बीच में जा करके नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाइए कि नहीं ये ठीक पद्धति है, ठीक पद्धति जो पहले से गेस था कि नॉर्मलाइजेशन, हाँ हाँ उसी को लेकर के, और जो है भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो, लोग स्टूडेंट के बीच में अफवाह न फैले, यही था मेन मुद्दा। क्या सर अब क्या आपका फीडबैक क्या है सर पूरे इस बैठक को लेकर? अब बैठक को लेकर फीडबैक ये है कि चलिए पहला है पहली बात, दूसरी मीटिंग ये लोग 15 नवंबर को रखे हैं, जो हो सकता है कि बापू सभागार में हो या ज्ञान भवन में हो, तो वहाँ जो है आपको 15 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी, स्टूडेंट भी रहेंगे या टीचर भी रहेंगे, तो उसमें फिर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है नॉर्मलाइजेशन होगी इस बार एग्जाम में।
तीन सेट रहेंगे। सर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने क्या सर विरोध किया नॉर्मलाइजेशन का, क्यों लोग सपोर्ट नहीं किया? नहीं, विरोध तो कोई नहीं किया, कह रहा है कि ठीक है। खान सर भी बोले कि ना ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कों के बीच में विश्वास जाना चाहिए। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया एकदम कि नहीं ऐसा। सपोर्ट किए सर? हाँ, सपोर्ट किए, वो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किए हैं, वो भी रामान सर भी, ये लोग सपोर्ट किया है कि नहीं ठीक है चलिए। आपकी पति का ज्यादा गुणगान भी लोग करने लगा, चेयरमैन का, हमको अच्छी बात नहीं लगी है गुणगान। हम गए हैं वहाँ, बात हम टीचर की गरिमा का लोग गिरा देते हैं। टीचर की गरिमा क्या है? क्या हम बात करने गए हैं ना, हम नो ऑफिसर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ये लोग गरिमा गिरा देते हैं। सर कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो नहीं पढ़ाते हैं, अब तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बाकी सब जितने थे हमको लगता है कि सब लोग सिविल से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ रेलवे वेलवे भी पढ़ाने वाले लोग आए हैं उसमें, लेकिन हम तो पहचान नहीं रहे सबको। पुराने लोग हैं उनको मैं पहचान रहा हूँ, यही हुआ है इसमें। लेकिन चलिए आयोग की पहल है, फिर 15 नवंबर को देखिए क्या होता है उसमें, उस मीटिंग में हम लोग फिर हम बात करेंगे, प्रश्न उठाएंगे। शिक्षकों के साथ संवाद के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही थी कि जो आयोग की कार्य प्रणाली है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी पारदर्शी है, और इसमें कहीं भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है, नहीं है, नगण्य है। और ये बातें हम लोग जो शिक्षक हैं वो छात्रों के साथ क्या करें, शेयर करें। इसी बीच में हमने भी कई सारी, हमारे पूरे शिक्षकों ने भी कई सारी बातें की कि जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्या होगा, क्यों छात्रों के मध्य ये भ्रांतियां फैलती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो छात्रों के मध्य भ्रांतियां इसलिए फैलती है क्योंकि BPSC पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा जो नॉलेज पूरा पूरी बातों को छात्रों के मध्य नहीं रख पाती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि BPSC ने बोला कि आप एक बार डिस्कस करें, बच्चों को बताएं, और हमने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन जो होना चाहिए वो नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर्स नहीं होने चाहिए, और सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सिंगल पेपर नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 बातें और निकल कर आई कि जैसा कि आयोग का कहना था कि कम से कम हम लोग 3 पेपर रखेंगे, उस पर भी हम लोगों ने बात रखी है कि नहीं, हम लोग सिंगल पेपर ही रखें, और फिर बिहार स्पेशल का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, इस पर भी हमने काफ़ी सारा बात किया, हम लोग मैंने काफ़ी सारा बात किया, ठीक है। फिर PT और मेंस का जो एग्ज़ाम का डेट है उस डेट को भी फिक्स किया जाए, मेंस और PT के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जाए, इस पर भी हमने बात किया, और मिला जुला कुछ लोग सपोर्ट भी किया है। हाँ कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया है, और किया है सर। अब मैं आप क्या ही बताऊं आपको, लेकिन जो लोग दिखा, खान सर और रहमान सर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सपोर्ट किया है सर। हाँ, शुरुआत में तो उन्होंने सपोर्ट किया कि इन शिक्षकों ने सपोर्ट किया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, लेकिन फिर बाद में जब देखे कि सभी शिक्षक किसका अपोज कर रहे हैं तो बाद में उन्होंने बताया भी कि नहीं, 3 पेपर में अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो ठीक है, बाद 10 से ज़्यादा पेपर्स नहीं होना चाहिए। सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन बस हम वहीं पर के पुल भी बांधे जा रहे थे, सुन रहे थे सर। हाँ, कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, मतलब ये संवाद शुरुआत में तो ये संवाद, हाँ संवाद को पूरे तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को हितैषी दिखाते हैं, ये मुझे यहाँ पर लगा कि वो बहुत ज़्यादा हितैषी है नहीं, ठीक है, वो हितैषी है नहीं, बस दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा हितैषी हैं, क्योंकि आज तक सिविल सर्विसेज में कभी भी कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जब नहीं हुआ है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन को करना ये उचित नहीं है, यहाँ मेरा मानना, और बहुत सारे शिक्षकों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ जो छात्रों को बहुत बड़े हितैषी बनते हैं उन्होंने बोला कि नहीं नॉर्मलाइजेशन, हम बात छात्रों को कैसे समझाएंगे, पढ़ाते नहीं है वैसे लोग नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में आ गए। हाँ, यही बहुत बड़ी समस्या थी कि जिन्होंने आज तक सिविल सर्विसेज दिया नहीं है, सिविल सर्विसेज का कुछ नहीं जानते, उन्होंने इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या ही बताया जाए, क्या बोला जाए, कि बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि कैमरा के सामने जो लोग जो बातें करते हैं वो एक्चुअल होते नहीं है, मतलब बस दिखाते हैं कि हम छात्रों की हितैषी हैं और वहां पर जाकर कुछ और बातें करते हैं, ये बहुत ही, ये जो गिरगिट जैसा, ये जो दोहरा चरित्र है ना, इससे शिक्षकों को बचना चाहिए, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूंगा, कि मैं भी दंग रह गया था कि बाहर में इतनी बड़ी बड़ी बातें और अंदर में जाकर ये दोहरा चरित्र दिखाना, हाँ दोहरा चरित्र दिखाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये किसी भी छात्र के
या किसी भी शिक्षक को शोभा नहीं देता, ये तो मैं जरूर आपको जाना चाहूँ। बैठक का लबो लुभाव आप क्या रहा सर? जो हम लोग सर गेस कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन पर ही कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है, क्या वही बात है? बिल्कुल, ये आयोग की तरफ से था कि नॉर्मलाइजेशन पर कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लेकिन लास्ट में जब हम लोगों ने बोला तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आयोग का ये था कि हम छात्रों को इस तरीके एकजुट रहते तो सर हो सकता था कि नॉर्मलाइजेशन पर विचार करते। हाँ बिल्कुल, सभी शिक्षक एकजुट रहते तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन वाली बात नहीं होती, सिंगल शिफ्ट सिंगल पेपर ही होना चाहिए था और वही होता। लास्ट में हम लोगों ने बोला भी है कि सिंगल शिफ्ट सिंगल पेपर होना चाहिए, तो आयोग ने ये बोला है कि मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिखा रहे। जब वो लोग कुछ लोग चले गए थे, तथाकथित बड़े लोग जब चले गए थे, तब उन्होंने बोला कि हम लोग इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगे, छात्रों को ये लगे कि पेपर लीक की संभावना जो है वो नगण्य है, पेपर लीक नहीं हो जाए, क्योंकि उससे जो सैंपल पेपर है ना वो सैंपल जो होगा वो काफी कम हो जाएगा, पेपर लीक की जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, इसीलिए हमने ऐसा बोला है। और मुझे जहां तक लगता है हम लोग इतना कन्विंस करने में सक्षम हो पाए हैं कि ये सिंगल शिफ्ट में ही पेपर होगा और सिंगल पेपर ही होगा। अब क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि एक शिफ्ट में तीन अलग अलग पेपर, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। तो और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि नहीं वो अच्छा है, हम छात्रों को नहीं समझा पाएंगे ऐसा ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते आपको दोहरा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए।